आदाब, मैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इस लेक्चर सेशन में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम BA 101 ब्लॉक 3 की एक यूनिट है 9, जिसका उन्वान है मुस्तकबिल, एक नज़्म है और इस नज़्म के खालिक हैं अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 1846 में हुई और इंतकाल 15 फरवरी 1921 को हुआ। यह उनका अहद, क्योंकि किसी भी शायर या किसी भी शख्सियत या फिर किसी भी नज़्म या फिर तारीख के किसी भी हिस्से को या किसी बड़ी शख्सियत के बारे में जानने के लिए हमें उस अहद का जानना बहुत ज़रूरी होता है, और कोई भी तख्लीक किस अहद में ज़हूर पसीर हुई है या किस अहद में लिखी गई है, उसके वजूहात क्या हो सकते हैं, इसलिए उस अहद को, उस ज़माने को जानना बहुत ज़रूरी है। अकबर इलाहाबादी उर्दू अदब के उन चंद शोरा में से हैं जिन्होंने तंजिया मज़ाहिया शायरी की। तंजिया मज़ाहिया शायरी का मकसद इस्लाह ज़ात और इस्लाह माशरा भी होता है। तंज इस तरह का मजाक, इस तरह का कह लें आप लुत्फ पैदा करना अपनी बातों से, अपने अशार से, अपनी ज़बान से, कि सामने वाले को बात थोड़ी सी चुभे लेकिन दिल आज़ारी ना हो। मज़ाक में कही गई इस बात का बहुत दूर तक असर होता है। तो अकबर इलाहाबादी इसके लिए बहुत मशहूर हैं, उर्दू के सबसे बड़े तंज़ मज़ाक के शायर हैं, जिन्हें लिसानुल असर यानी ज़माने की ज़बान, ज़माने की यानी लिसान का मतलब होता है ज़बान और अहद का मतलब होता है ज़माना, तो अपने अहद की ज़बान जिन्हें कहा गया अकबर इलाहाबादी को। अकबर इलाहाबादी की इब्तदाई तालीम मदरसे से हुई, उसके बाद उन्होंने तरक्की करके आगे वकालत की और उसके बाद वो सेशन जज तक मुकर्रर हुए। उनकी तसानीफ में जैसा कि मैंने यहाँ जिक्र किया है, गंजे पिन्हा और गांधी नामा बज़्म अकबर, ये मशहूर तीन तसानीफ हैं, चार हैं वैसे कुल, और इनकी तीन तसानीफ ये मशहूर हैं। अकबर इलाहाबादी को अपने अहद में, चूँकि जिस अहद में थे अकबर इलाहाबादी, उस अहद में अंग्रेज़ों का दबदबा था इस मुल्क में और नई तहजीब से लोग आशना हो रहे थे, नई तहजीब कबूल कर रहे थे, और उन्हें इस बात का बड़ा रंज था अकबर इलाहाबादी को, तो उन्होंने अपने अशार के ज़रिए इन चीज़ों पर तंज किया है, नई चीज़ों पर तंज किया। यहाँ तक कि उनको ये भी बाज़ दफ़ा ये भी नागवार था कि उस ज़माने में टाइप मशीन का रिवाज था, टाइप से लिखना शुरू हुआ था, तो वो कहते थे कि टाइप मशीन का लिखा पढ़ना पड़ रहा है और हैंड पाइप का पानी पीना पड़ रहा है। जहाँ तक तहजीब की बात है तो तहजीब एक मुद्दत के बाद तब्दील होती ही होती है, लेकिन अच्छाइयाँ हमें कबूल कर लेनी चाहिए और अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसे छोड़ देना चाहिए, तर्क कर देना चाहिए, उसे नहीं कबूल करना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं जिन्हें कबूल करना चाहिए, कुछ चीज़ें बुरी हुई हैं जिन्हें तर्क करना चाहिए। अकबर इलाहाबादी को इस बात का बड़ा रंज था, गो कि उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते थे, गैर मुल्क में पढ़ते थे, अंग्रेज़ी से खूब वाकिफ थे, लेकिन वो उर्दू और अपनी ज़बान को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा थे। उन्होंने पर्दे वगैरह का नज़्म उस ज़माने में जब धीरे धीरे कम हो रहा था, तो उन्होंने ये शेर कहा था, बेपर्दा कल जुआई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक़ल पे मर्दों की पड़ गया। या फिर नई तालीम और नई तहजीब के हवाले से ये जो शेर है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं, यानी वो देख रहे थे कि लड़कों जिन बच्चों ने थोड़ी सी किताबें पढ़ ली, अंग्रेज़ी पढ़ ली, उनको ये लगता है कि उनके वालिद या उनके वालदैन या और दूसरे जो उनके बुज़ुर्ग हैं उन्हें कुछ नहीं आता, वो खुद को अपने सामने, खुद के सामने उनको हेज समझते हैं, तो वो कहते हैं इस तरह की किताबों को जब्त कर लेना चाहिए कि जिन्हें पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये शऊर आता है कि बुज़ुर्ग हमारे जो है उन्हें कुछ नहीं आता है, वो खपती हो चुके हैं, उनका दिमाग ख़राब हो चुका है। आज हमारे सामने उनकी एक नज़्म है मुस्तकबिल, तो ये नज़्म हम पढ़ेंगे। पहले इस नज़्म को नई तहजीब के नाम से भी जाना गया। ये नज़्म अकबर इलाहाबादी की चंद चुनिंदा नज़मों में से एक है। ये नज़्म तंज के पैराए में कही गई अकबर की अपनी एक बात है,
बहुत सारी बातें इसमें हैं जिससे पता नहीं आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये नज़म है जो आपके कोर्स का और आपके सिलेबस का हिस्सा है, आपके निसाब का हिस्सा है, इन्हें इस नज़म को हम पढ़ेंगे। पहले मैं ये नज़म एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद नज़म के जो मुश्किल अशआर होंगे उनकी थोड़ी सी तफहीम होगी और थोड़ी सी तशरीह वजाहत हो जाएगी, जिससे कि मतलब आपको बआसानी समझ में आ जाएगा नज़म में अकबर क्या कहना चाहती हैं। जैसा मैंने कहा कि मुस्तकबिल, मुस्तकबिल का मतलब होता है आने वाला ज़माना, तो मुस्तकबिल में क्या क्या तब्दीलियाँ हमें देखने को मिलेंगी वो इस नज़म के हवाले से अकबर कहते हैं। इस नज़म को नई तहज़ीब के नाम से भी जानते हैं। तो नज़म मैं पढ़ता हूँ एक बार, उसके बाद बात आगे होगी। नज़म यहाँ से शुरू होती है, ये मौजूदा तरीक़े राहिये मुल्के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे, नए उनवान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नैसा पेच जुल्फों में नगेसू में यखम होंगे, न खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिबे रुए सनम होंगे, बदल जाएगा अंदाजे तबाए दौरे गर्दों से, नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे, खबर देती है तहरीके हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे, अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा मगरबी पुतले सनम होंगे, बहुत होंगे मुगन्नी नगमे तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेताल सम होंगे, हमारी इस्तलाहों से ज़बान आशना होगी, लुगाते मगरबी बाजार की भाषा से ज़म होंगे, बदल जाएगा मेयारे शराफत चश्मे दुनिया में, ज़्यादा थे जो अपने ज़ोम में वो सबसे कम होंगे, गुज़िश्ता अज़मतों के तस्करे भी रह न जाएंगे, किताबों में ही दफ्न अफसाने जाहो हशम होंगे, किसी को इस तगय्युर का न हिस होगा न गम होगा, हुए जिस साज से पैदा उसी के ज़ेरो बम होंगे, तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है ऐ अकबर, बहुत नज़दीक है वो दिन न तुम होगे न हम होंगे। ये पूरी नज़म है। अब इस नज़म के एक एक अशार, एक एक शेर को हम पढ़ेंगे और उसका खुलासा देखेंगे। ये पहला शेर है कि ये मौजूदा तरीक़े राही मुल्क अदम होंगे, राही मुल्क अदम, इसमें दो लफ्ज़ ऐसे हैं जिनका मतलब जानना ज़रूरी है। राही रास्ता चलने वाले को कहते हैं और अदम ऐसी जगह या जो मौजूद ही ऐसी चीज़ जो मौजूद ही ना हो। तो ये जो मौजूदा तरीक़े हैं यानी जिन तरीक़ों से उस ज़माने में अकबर इलाहाबादी या उस ज़माने के उस अहद के लोग जिस तहजीब से और जिन तरीक़ों से ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे थे उस तरीक़े की बात कर रहे हैं कि ये जो मौजूदा तरीक़े जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके साथ हम ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, ऐसी जगह चले जाएंगे, ऐसे रास्ते पर चल पड़ेंगे जिसका कोई वजूद ही नहीं है, यानी ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से, और उसकी जगह क्या होगा, नई तहजीब होगी और नए सामा बहन होंगे। नई तहजीब आएगी जो आज की उस ज़माने की उस हद की बात है जो इसकी जगह ले लेगी और फिर उनके लिए नए नए तरीक़े ईजाद होंगे, नए उनवान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, नए सा पेच जुल्फों में नगेसू में यखम होंगे। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, लड़कियां जो है अपने लट निकालती थीं सामने से और एक बाल गिरा दिया करती थीं और जुल्फों को पेच वो जो है उसमें किसी चीज़ की मदद से अपने बालों को वो जो है घुंघरेला कर दिया करती थी। तो अकबर कहते हैं कि अब तो आने वाला ज़माना ऐसा होगा कि लड़कियां इतने बड़े बाल ही नहीं रखेंगी, छोटे छोटे बाल हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों का उस ज़माने में अंग्रेज़ हावी हो रहे थे इस मुल्क पर, अंग्रेज़ों का ज़माना था, वहाँ की लड़कियाँ छोटे छोटे बाल रखा करती थी और हमारे वहाँ की तहजीब, हमारे वहाँ का कल्चर कुछ और था। तो इस हिसाब से, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कहते हैं कि नए उनवान से जीनत दिखाएंगे हंसी अपनी, यानी जो हसीनाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, तो वो तरह तरह से अपनी जीनत, अपनी खूबसूरती, अपनी आराइश करेंगी, अपनी खूबसूरती दिखाएंगी, तरह तरह से अलग अलग तरीक़ों से अपनी खूबसूरती दिखाएंगी। वो खूबसूरती
बाल छोटा करके दिखा सकती हैं, जीन्स जो है टॉर जो है वो टियर जीन्स पहन के दिखा सकती हैं या बैकलेस दिखा सकती हैं। तो ये खूबसूरती दिखाने के नए नए इस ज़माने में जो चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे सामने हैं, तो इस तरह की खूबसूरती दिखाने का चलन पैदा हो जाएगा। और ये जो पुराने ज़माने में जिस तरह ढक के ख़ुद को और ज़ुल्फ़ों को सवार के खूबसूरती दिखाने का तरीक़ा था, वो ख़त्म होता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजिब रुए सनम होंगे। घूंघट एक चीज़ होती है जिसे लड़कियाँ या औरतें अपने सर पर डालती हैं और सामने की तरफ उसका हिस्सा, कुछ पर्दा ऐसा होता है या साड़ी या फिर अलग से पल्लू होता है साड़ी, और या फिर अलग से वो एक कपड़ा होता है, दुपट्टा भी कह सकते हैं, और अलग से एक पर्दा होता है वो डालती हैं और अपना चेहरा छुपाती हैं। तो खातूनों में रह जाएगी ये पर्दे की पाबंदी, जो अकबर कह रहे हैं कि इस ज़माने में जो हम पर्दे की पाबंदी देख रहे हैं, जो औरतें पर्दा करती हैं, नकाब लगाती हैं या पल्लू अपने सामने अपने पल्लू से अपना चेहरा ढक लेती हैं, तो इस तरह की पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह लड़कियाँ इन सब चीज़ों को तर्क कर देंगी। ना घूंघट इस तरह से हाजिब रुए सनम होंगे, जो इस ज़माने में जिस तरह जो है अपने शोहरों के सामने भी लड़कियाँ, वो एक कल्चर था राजस्थान में, आज भी ये कल्चर पाया जाता है, लेकिन बहुत हद तक ये कल्चर ख़त्म हो चुका है कि वो जो है अपने सास ससुर के साथ सामने साथ जब रहती थी तो अपने शौहर के सामने भी जब जाती थी तो थोड़ा सा घूंघट गिरा लिया करती थी और शर्माया करती थी। तो कहते हैं ये इस तरह जो है, अब वो शर्माना, वो घूंघट गिराना, इस तरह की चीज़ें अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। बदल जाएगा अंदाज़े तबाए दौरे गर्दों से, गर्दों के का मतलब होता है आसमान। तो नई सूरत की खुशियाँ और नए असबाब गम होंगे। बदल जाएगा अंदाज़े तबाए, तबा तबीयत मिजाज इस तरह के मानों में इस्तेमाल होता है। तो ये जो तबीयत का ये तबीयत है, ये मिजाज है, आसमान के बदलने से, आसमान के बदलने से मुराद ये है कि तहजीब के बदलने से, लोगों के बदलने से, चीज़ों के बदलने से क्या होगा कि सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। मतलब यहाँ तक कि खुशियाँ भी बदल जाएंगी और गम मनाने के तरीक़े भी बदल जाएंगे। अब खुशियाँ, पहले ईद, दिवाली, दशहरा, शब बारात, बकरीद, इस तरह की खुशियाँ मनाई जाती थी, लेकिन आज है बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, बहुत सारे तरीके की खुशियाँ आ गई हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जो नया कल्चर है उसमें, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में जब छुट्टियां होती हैं तो स्कूल का कल्चर प्रोग्राम होता है, उसमें आपने देखा है कि नए तरह की खुशियाँ होती हैं, डांस होता है और तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब खुशी मनाने का तरीक़ा भी बदल जाएगा और गम मनाने का तरीक़ा भी बदल जाएगा। अब गम क्या होता है, गम मनाने का तरीक़ा बदलने से मुराद ये है कि जिस तरह आज हम रो धो के गम मनाते हैं, ये सब भी बदल जाएगा आने वाले दिनों में। खबर देती है तहरीक हवा तब्दील मौसम की, खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे। तहरीक मौसम, मौसम की जो तब्दीली है, माहौल की जो तब्दीली है, ये बताती है कि अब मौसम तब्दील होने वाला है, यानी माहौल बदलने वाला है। आज के माहौल से हमें यह अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में मुल्क का माहौल या हमारी तहजीब, जो मौजूदा तहजीब है, ये ख़त्म होने जा रही है और उसकी जगह कोई दूसरी तहजीब लेने जा रही है। ये तब्दीली रोनुमा होने वाली है। खिलेंगे और ही गुल जमजमे बुलबुल के कम होंगे, यानी नए तरह के फूल खिलेंगे और जो जमजमे बुलबुल के, जो बुलबुल अपने गीत सुबह में आप देखते हैं कि कोयले या बुलबुलें अपने गीत गाती थी, अपनी आवाज़ें निकालती थी, ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लफ्जी मानों में भी देखें तो आप देखते हैं कि चिड़ियों की जो चहचहाहट है पहले जैसी अब नहीं रही, जैसे कि हमारे बचपन में होता था। या फिर आज भी आप गाँव की जानिब जाएँ, पहले हर थोड़ी दूर चलने के बाद एक गांव आ जाता था या बागात आ जाते थे, और बुलबुलों की आवाज़, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, कोयल के कूकने की आवाज़ आती थी। अब ये आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन यहाँ मुराद ये भी लफ्जी माने भी हैं, और कहने का मतलब ये है कि जो खूबसूरती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, हैं, तब्दीली आनी है। अकायद पर क़यामत आएगी तरमीम मिल्लत से, नया काबा बनेगा, मगरबी पुतले सनम होंगे। अकायद, अकीदे की जमा है,
पर क़यामत आए कि जो हमारे अकायद हैं, हमारा ईमान है, हमारा तौर तरीक़ा है, हमारा फेथ है, हमारी बिलीफ्स हैं, तो इन पर क्या होगा, ये जो है क़यामत, यानी इन पर बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, क़यामत इस पर टूट पड़ेगी इन अकायद पर। कैसे कि तरमीम मिल्लत से मिल्लत में इस कदर तब्दीली पैदा हो जाएगी, इस कदर इंतशार पैदा हो जाएगा कि हमें असल अकीदा क्या है उसकी जानिब शायद हमारा जहन जाने ही ना पाए, और पढ़ने का रुझान तो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और गहराई से मुताला, किसी चीज़ को जानने के लिए गहराई से तहकीक करना, इसका भी जोर बहुत हद तक कम हो गया है। तो बहुत सारी नई चीज़ें हमारे अकायद में जुड़ती चली जा रही हैं। तो इस तरह अलग अलग सेक्ट्स हो गए हैं, आपने देखा है कि अलग अलग लोगों के मानने वाले, शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, तरह तरह की चीज़ें, और हर जगह पे ये मामलात हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम अपनी चीज़ें, जब अपने जहन से चीज़ों को बनाते जाएंगे और उनकी जो है ताबेदारी करते जाएंगे, तो ये क्या होगा कि अकायद जो हमारे, जो बुनियादी अकीदा है हमारा, उस पर तो एक क़यामत टूट पड़ेगी, वो ख़त्म होता जाएगा, नया काबा बनेगा, मगरबी पुतले सनम होंगे, लोग अपने अपने तरह से चीज़ों को पेश करेंगे, और मगरब की तहजीब से इस कदर मुतासिर होंगे कि उसकी रोशनी में अपने अकीदों के चराग चलाएंगे, अपने अकीदों को रोशन करने की कोशिश करेंगे। फिर अगला शेर है कि बहुत होंगे मुगनी नगमे तकलीद यूरोप के, मगर बेजोड़ होंगे इसलिए बेतालु सम होंगे। बहुत होंगे मुगनी नगमे तकलीद यूरोप के, यूरोप के तरफदार बहुत सारे होंगे, मुगनी गाने वाले को कहते हैं जो गाना गाता है, तो यूरोप की तरफदारी करने वाले, यूरोप के गीत गाने वाले बहुत सारे ऐसे होंगे, उसकी तकलीद करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक यूरोप से है नहीं, चूँकि उनका ताल्लुक वेस्टर्न कल्चर से है नहीं, तो उनके अंदर वो सारा स्टाइल, वो सारी चीज़ें नहीं पैदा हो सकती हैं जो एक बुनियादी यूरोप के रहने वालों में हो सकती है। तो इसलिए वो बेजोड़ होंगे, बेतालुसम होंगे, ताल आप जानते हैं, सुर ताल ये सब बेतालुसम होंगे। जैसे मान लिया, अगर मैं हूँ, मुझे ढोलक बजाना नहीं आता, मैं कोई मौसीकी का कोई भी आला मैं नहीं बजा सकता, मुझे दिया जाए बजाने के लिए, तो मैं कैसा बजाऊँगा, जाहिर सी बात है बड़ी ख़राब आवाज़ निकलेगी उसमें से। तो यही हाल होगा, जो तकलीद करने वाले हैं यूरोप के, वो तकलीद तो करेंगे लेकिन बहुत अजीब व गरीब दिखेंगे, बहुत अजीब दिखेंगे, ये इनका कहना है, अकबर का कहना है। अब ये कहते हैं हमारी इस्तलाहों से ज़बान आशना होगी, टर्मिनोलॉजी, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, हमारी जो इस्तलाह है, तो ये हमारी इस्तलाहों से ज़बान आशना होगी, यानी हमारी जो इस्तलाह है, ज़माने में जिस तरह की इस्तलाहात हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की ज़बान में जो बातें करते हैं, आने वाले दिनों में इन इस्तलाहों को समझने वाला कोई नहीं रहेगा, इससे ज़बान ना आशना हो जाएगी। यानी अब जो ज़बान नहीं पैदा होने जा रही है, धीरे धीरे जब तहजीब बदलती है, कल्चर बदलता है, तो ज़बान भी धीरे धीरे बदलती जाती है, और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ठीक है, बहुत कुछ कभी कभी कुछ गलत हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ गलत भी नहीं है। हाँ, ये ज़बान के हवाले से ये बात तो सही है कि ज़बान धीरे धीरे, और ये सिर्फ उर्दू के साथ या फिर और दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरी हिंदी के साथ ऐसा नहीं, मसला तमाम तकरीबन तमाम ज़बान के साथ है, और पुरानी ज़बान जाती है, पुरानी तहजीब जाती है, उसकी जगह नई तहजीब लेती है, पुराने अल्फाज धीरे धीरे, उनका ज़ोर कम होता है लेकिन नए अल्फाज भी शामिल होते हैं, ऐसा नहीं कि ज़बान ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये बात सही है कि इस्तलाहात जो इस्तेमाल होती हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, वो धीरे धीरे उनका असर टूटता है, लेकिन उसकी जगह नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, नई इस्तलाहात आ जाती हैं। तो वो कहते हैं कि इस ज़माने में, जो इस अहद में जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस्तलाहात इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोग इससे नाआशना हो जाएंगे, इसको समझ ही नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। लुगात मगरबी बाज़ार की भाषा से ज़म होंगे, जो हमारी लुगात हैं, जो हमारी डिक्शनरीज हैं, वो उसमें क्या होगा, मगरबी बाज़ार की भाषा, मगरबी बाज़ार की भाषा, यानी मगरब में जो बाज़ार की भाषा है, बाज़ार की जो ज़बान है, कहीं कहीं ये भाका भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब भी वही होता है, ज़बान ही होता है, तो ये इसमें मगरब के अल्फाज, यानी अंग्रेज़ी के अल्फाज ज़्यादातर आ जाएंगे, और उर्दू के अल्फाज धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और ये देखिए, आज आप कोई भी डिक्शनरी उठाइए, कोई भी लुगत उठाइए,
तो जो हमारी ज़बान में जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अल्फाज आपको आपके लुगत में आपके डिक्शनरी में मिल जाएंगे, उर्दू डिक्शनरी में मिल जाएगी, वो अल्फाज मिलेंगे। दब जाएगा, यहाँ कहीं कहीं दब जाएगा, लेकिन लफ्ज़ है बदल जाएगा मेयार शराफत चश्मे दुनिया में। अब आने वाले दिनों में क्या होगा कि जो शराफत का मेयार है वो भी चश्मे दुनिया में, दुनिया की नज़र में, दुनिया की आँखों में शराफत का मेयार भी बदल जाएगा। मैं जाहिर सी बात है, आपने देखा है कि जो बड़े ज़्यादा पैसे वाले हों, अमीर हैं, लोग उनसे दबते भी हैं और उन्हें शरीफ भी समझा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। कहा एक बार ने कि ये मेयार हो जाएगा और ज़्यादा थे जो अपने ज़ोम में वो सबसे कम होंगे, जो अपने ज़ोम में अपनी अकल में जो ख़ुद को बहुत बादशाह समझते थे, हाँ जो कुछ थे अपने आप को समझते थे, वो सबसे कमतर समझे जाएंगे। गुज़श्ता अजमतों के तस्करे भी रहना चाहेंगे, किताबों में ही दफन अफसाने जाहो हशम होंगे। कहते हैं कि गुज़श्ता अजमतों, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ ने जो मीरास छोड़ी है, जो उनकी अजमत की तारीख है और उनके जो उन्होंने मुल्क के साथ, जैसे मान लीजिए आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, जिन्होंने तारीख में जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और तारीख में अपना एक नाम पैदा किया, और भगत सिंह हैं, गांधी जी हैं, इकबाल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और फिर उससे पहले की तारीख पर आप जाइए, बहुत सारे ऐसे बादशाह हैं। तो कहते हैं कि जो हमारी तारीख है ये धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, मिटती जाएगी, लोग इसके बारे में बहुत कम जानेंगे। तो कहते हैं गुज़िश्ता अजमतों के तस्करे भी रहना चाहेंगे, उनका बयान लोग करने वाले नहीं रह जाएंगे, उनकी अजमत की, उनकी बड़ाई की, उनके बड़प्पन का बयान करने वाले लोग नहीं रह जाएंगे। क्या होगा, रहेंगी वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन कहाँ, किताबों में ही दफन अफसाने जाहो हशम होंगे। उनकी अजमत, उनकी सत्वत, उनकी शौकत, उनकी बुलंदी और उनके बड़प्पन की जो भी दास्तानें हैं, उनकी जो भी कहानियां हैं, जो भी किस्से हैं, वो अफसाने की तरह, कहानियों की तरह सिर्फ किताबों में की नज़र होकर रह जाएंगे, किताबों में ही दफन हो जाएंगे। लोग उनको बहुत कम लोग जानेंगे, जो किताबों से, भाई जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं किताबों से ताल्लुक़ किस तरह टूटता जा रहा है। तो ये कहते हैं कि अब उनकी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे असलाफ हैं, हमारे अकाबरीन हैं, उनसे लोग कटते जाएंगे धीरे धीरे, और उनकी बातें सिर्फ लिखी हुई बातें किताबों में रह जाएंगी, क्योंकि किताबों से ताल्लुक़ बहुत कम रहा है। तो जिनका ताल्लुक है, बहुत कम लोगों का ताल्लुक है, बहुत कम लोग ही जान पाएंगे, वो सिर्फ किताबों के ज़रिए। पहले ये होता था कि सीना बसीना कुछ चीज़ें चली आती थी, यानी अगर मेरे वालिद साहब ने मुझे कुछ चीज़ सिखाई, मुझे याद हो गई, मैंने अपने बच्चे को सिखाया, मेरा बच्चा आएगा आने वाले दिनों में, तो इस तरह की भी चीज़ें चला करती थी। लेकिन अब क्या होगा, हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, ज़्यादातर मोबाइल को वक्त देते हैं, या फिर अपने काम को अपना काम इस कदर बढ़ा लिया है कि बच्चों की तरबियत करने का वक्त नहीं मिला हमारे पास नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, तो हम अपने बच्चों को कहाँ सिखा पाएंगे कि हमारे बुज़ुर्ग क्या थे, हमारे काबरीन कहाँ थे। अब वो किताबें पढ़ेंगे तो सीखेंगे। किसी को इस तगय्युर का न हिस होगा न गम होगा। तगय्युर के माने हैं तब्दीली के। ये जो तब्दीली होगी तो इसका न किसी को रत्ती बराबर एहसास होगा और ना ही किसी को इस बात का गम होगा। वो कहते हैं, अकबर का कहना है कि ये जो तब्दीली आएगी, इससे ज़रा भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। हुए जिस साज से पैदा उसी के जेर बम होंगे, यानी जिस तहजीब के हम परवरदा हैं उसी के ख़िलाफ़, उसी के जेर असर हम नहीं रह जाएंगे, उसी के ख़िलाफ़ हम खड़े हो जाएंगे और उसी को मिटता हुआ देखें। तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है आए अकबर। अकबर कहते हैं कि ये जो इनकलाब, ये जो तब्दीली, बड़ी तब्दीली, इनकलाब का मतलब होता है बड़ी तब्दीली, तुम्हें इस इनकलाब दहर का क्या गम है आए अकबर। वो ख़ुद को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आए अकबर, ये जो इनकलाब रोनुमा होने वाला है, ये जो दुनिया बदलने वाली है, नई तहजीब आने वाली है, तो तुम्हें इस बात का क्या गम है, क्यों परेशान हो तुम इस बात को कि नई तहसीब आएगी, नई चीज़ें, सब चीज़ें बदल जाएंगी, इस बात को लेके तुम क्यों परेशान हो। अरे बहुत नज़दीक है वो दिन बहुत करीब है, न तुम होगे न हम होंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हम और तुम नहीं बाकी रहेंगे, जो लोग होंगे
वो अपना समझेंगे, वो अपनी दुनिया अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने तरीके से चलाएंगे। तो आपने देखा यह नज़्म है, हमने ये नज़्म देखी, पढ़ी और समझी। इस नज़्म का मतलब ये है कि अकबर इस बात को लेके बहुत परेशान है, इस बात को लेके बहुत गमगीन है, फ़िक्रमंद है कि ये जो नई तहजीब है ये धीरे धीरे हमारी तहजीब आने वाली, जो हमारी जो मौजूदा तहजीब है, जो नई तहजीब आ रही है, वो हमारी मौजूदा तहजीब को यानी उस अहद की मौजूदा तहजीब को ख़त्म कर देगी और उसके जगह पर ये नई तहजीब पैदा हो जाएगी। और उस तहजीब को अकबर जो है वो हेज समझते हैं, जो नई तहजीब आने वाली, यानी जिस तहजीब में, जिस कल्चर में और हम रह रहे हैं, उस तहजीब को वो अपनी तहजीब के मुकाबले वो कमतर समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहरहाल आप देख रहे हैं। बहरहाल आज ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।